जिले में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला भागलपुर नाथनगर रामपुर खुर्द के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के चकदाहा बहियार की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर बीच बहियार में फेंक दिया। वहीं सुबह होते ही गाँव वालों के शोर शराबे से पता चला किसी युवक को गोली मारकर खेत में फेंक दिया गया है। कुछ देर बाद उस मृत युवक की पहचान नाथनगर के रहने वाले रामपुर खुर्द पंचायत के रामपुर हरिजन टोला निवासी अनिल दास के 32 वर्षीय पुत्र नवीन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि हमारे पति 12 जून को 5 बजे शाम से ही गायब थे। हम लोगों को जब पता चला तो घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उसकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी थी। वहीं मृतक नवीन के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के शिनाख्त में जुट गई है। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया है कि किसी बात को लेकर अपराधियों और नवीन में झड़प हुई है, जिसके चलते उसको गोली मारी गई है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। डॉग स्क्वाड और जांच टीम भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर आ गई है। उम्मीद है जल्द सब कुछ सामने होगा। रोज भाई 2 बजे लगभग 3 बजे शाम में घुस जाता है। काम शेल्टरिंग के काम यहाँ पे जो है ना रामपुर पंचायत में चल रहा है, वहीं पे एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है। कैसे मर्डर हुआ है, मर्डर कैसे हुआ ये पता नहीं है। यहाँ सोच करने के लिए मैदान करने के लिए आए थे, तो इसी कारण यहाँ पे मार के फेंक दिया था। मृतक की पहचान की गई है, पहचान मिली थी पुलिस को, पुलिस घटना स्थल पहुंची है, उसका निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान की गई है, मृतक का नाम नवीन दास है, उनके पिता का नाम अनिल दास है, रामपुर का काम करता था। और बाकी बिंदु पे भी जांच चल रही है, फैसिलिटी को बताया गया है और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है और DI टीम भी आ रही है डंप लेने के लिए और बाकी बिंदु की जांच के लिए CCTV हम लोग खंगाल रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के तुगलकी फरमान से परीक्षा विभाग में लगे ताले को भी छात्रों ने जबरन तोड़ दिया और परीक्षा नियंत्रक से मिले। गौरतलब हो कि यह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार परीक्षा विभाग को इस तरह से तालाबंदी कर रखा जा रहा था और कर्मचारियों के बदले गार्ड से कर्मचारी का काम कराया जा रहा था। सीधे तौर पर परीक्षा नियंत्रक से छात्रों की मुलाकात नहीं होने से छात्रों को कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। दूर दराज से आए कई छात्र बांका, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार जैसे जगहों से आकर उन्हें वापस लौटना पड़ता था। गेट पर तैनात गार्ड परीक्षा विभाग के अधिकारी से मिलने नहीं देते थे। इसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा और परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार का ताले को जबरन तोड़ डाला। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों एवं कई छात्र नेताओं ने एक सुर में कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति का तुगलकी फरमान हर रोज नए नए रूप में देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई छात्र को समय पर मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने के चलते वह नौकरी से वंचित रह जाते हैं। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों और छात्र नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय का रवैया जल्द ठीक नहीं हुआ तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों की पृष्ठभूमि बदल देंगे। मेरा 15 तारीख तक ज्वाइनिंग करना है और उनको मूल प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज से मिला नहीं। आप रसीद कब कटवाए थे? 13/9/2022 को। 22 में कटवाए थे, अभी तक नहीं दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी आते हैं तो क्या बोलता है? टाइम मिलता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह, लेकिन अभी तक नहीं। क्या परेशानी क्या हुई? जब तक हमको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 16 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर में पोस्ट के, 14 महीना कटाया हुआ है, हम आज ही कटाया, लेकिन इमरजेंसी है इसी कारण से हमको आज कटाना पड़ा, अचानक से डेट इसका आ गया था। देखिए भागलपुर विश्वविद्यालय में कभी ये इतिहास नहीं रहा है कि परीक्षा विभाग को इस तरह से लॉक करके रखा जाए, लेकिन जब से वर्तमान कुलपति आए हैं इस प्रकार के तानाशाही रवैये से छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र ऐसे आज मिले जिनका की ज्वाइनिंग आ गया है इंस्पेक्टर में, SSC में, कई सारे जॉब में टीचर के लिए, लेकिन उनको मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। सेशन 20-23 और 21-24 का, 22-25 का एग्जाम का शेड्यूल दिया गया, फिर कल मध्य रात शाम तक में उसे कैंसिल कर दिया गया। इसका रीजन बताया जा रहा है कंट्रोलर कि कॉपी का पैसा नहीं। जिस समय दीक्षांत समारोह हो रहा था उस समय भी जाप के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था कि आप 90 लाख रुपया किस परिस्थिति में खर्च कर रहे हैं जब विश्वविद्यालय के पास पैसा नहीं है। आज वही परिस्थिति विश्वविद्यालय के सामने आई कि 25-30 लाख रुपया कॉपी खर्च है, लेकिन वो विश्वविद्यालय के पास नहीं है।
हम लोगों ने आज ताला तोड़ करके भी कंट्रोलर साहब से मिलने का कोशिश किया, ताला को भी तोड़ा, कंट्रोलर साहब से मिले, वो 24 घंटा का समय मांगे और हम लोगों ने वैकल्पिक बात को रखी कि सर जिस हिसाब से आपने ऑनर्स का एग्जाम लिया है एवरेज मार्किंग 70% 60-70% सभी को सब्सिडी में दिया जाए। सदर अस्पताल में ANM फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुंची और वार्डन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं ने कहा कि हॉस्टल की व्यवस्था जर्जर है, साथ ही छात्राओं ने ये भी कहा कि हॉस्टल के वार्डन के द्वारा टॉयलेट साफ करने का दबाव बनाया जाता है, अगर टॉयलेट साफ नहीं करोगी तो क्लास करने नहीं दिया जाएगा। इसी बातों को लेकर ANM की छात्राएं सिविल सर्जन के पास पहुंची। वहीं हॉस्टल के वार्डन ने सारे आरोपों को निराधार बताया है, साथ ही वार्डन ने ये भी बताया कि लड़कियां टॉयलेट को बुरी तरह से गंदा कर देती है, स्वीपर साफ करने से मना कर देता है, इसलिए लड़कियों को कहा गया कि जो वो गंदा करती है वही वो साफ भी करेगी। गंदे सामानों को बाथरूम में ना फेंक कर बाहर कूड़ेदान में फेंके। जान के हम लोग को टॉयलेट साफ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, थोड़ी की टॉयलेट साफ करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे कि टॉयलेट साफ करें। अभी शिकायत लेके कहीं नहीं गए, इसके पहले भी शिकायत हो रहा था तो मैम को बोलते थे तो मैम उस चीज का उतना प्रिंसिपल के पास जाने का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन आज ज्यादा हो गया, एवब हो गया, तो इसलिए हम लोग को कंप्लेंट करना पड़ रहा है। हम लोग को वहाँ पे फोर्स किया जाता है तुम लोग बाथरूम साफ करोगी, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, बाथरूम और वॉशरूम हम साफ करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि घास है आगे में, घास तक छिलवाया जाएगा, हम लोग को बोला गया घास छिलो, हम लोग क्या इसी के लिए यहाँ पे आए हैं? कौन बोलता है? मैम लोग बोलती है और सीनियर लोग भी करवाती है, ये सीनियर और जूनियर दोनों का बाथरूम साफ करने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है। ये जो हमारा दो स्वीपर है रोज काम करते हैं, रोज सफाई करते हैं, लड़की लोग का सैनिटरी पैड रोज बाथरूम में लोग फेंकते रहता है, जही तही में टॉयलेट में भी फेंक देते हैं, जिस वजह से हमारा स्वीपर कहते हैं हम लोग भी एक इंसान है, रोज लड़की लोग का सैनिटरी पैड कैसे हम लोग रोज रोज साफ करें, तो हमको रोज ये लोग कंप्लेन करते हैं। कल एक स्टूडेंट्स लोग बोला बहुत टॉयलेट करके टॉयलेट में पानी नहीं देती है, तो हम बोले ठीक है तुम लोग जहाँ जो लोग गंदा के वो लोग अपना अपना साफ करो, है ना, लड़की है साफ करो, हम लोग भी जब हॉस्टल लाइफ जिए थे अपना साफ करते थे। मामला भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया का है। अपने ससुराल आए निशांत कुमार बिना घर वालों को बताए कहीं चला गया था, जिसकी खोज में ससुराल पक्ष के लोग परेशान हो रहे थे। मामले में परिवार वालों ने 1 फरवरी को थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। 5 माह बीत जाने के बाद एक दिन अचानक निशांत नोएडा के मोमोज की दुकान के बगल में भिखारी की अवस्था में पड़े हुए थे, तभी उनके साले ने उन्हें देखा और अपने घर फोन किया और घर वालों ने उन्हें तुरंत 100 पर कॉल करने को कहा। कॉल करने पर नोएडा पुलिस वहां पर पहुंची और भागलपुर सुल्तानगंज थाने को इसकी सूचना दी और वहां से उसे भागलपुर लाया गया, जहां सुल्तानगंज थाना ने उसे भागलपुर कोर्ट में पेश किया। पूरे मामले में साले रविशंकर सिंह ने कहा कि मेरे बनोई शादी में आए थे और वहां से बिना बताए कहीं चले गए और उसके बाद बनोई के पिताजी अक्सर आरोप लगा रहे थे जिसमें समाज में हम लोगों की बेइज्जती हो रही थी और उसके कारण मेरे घर के बड़े पापा का देहांत हो गया, अब हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट हम लोगों को न्याय दे। ये उसमें बहनोई जो है बीच में गायब हो गए थे, शादी समारोह में हमारे यहाँ आए थे उसके बाद गायब हो गए, जिसके कारण जो है इनके पिताजी के द्वारा हमारे ऊपर हमारे पूरे परिवार के ऊपर गलत गलत तरीके से आरोप लगाए कि ये आप लोग के द्वारा जो है अपहरण किया गया है, और उसमें फिरौती मांगा गया कि भाई गलत गलत तरीके से आरोप लगाए जिससे हमारा पूरा परिवार मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा, उसके एवज में हमारे बड़े पापा जो है गुजर गए। ये 5 महीने के बाद जो है दिल्ली में नोएडा सेक्टर 50 में मिले हैं। आम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बिहार के सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश सरकार को सबसे बड़ा ठग करार दिया है। वहीं अब संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अपने बयानबाजी से मशहूर गोपाल मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ा नेता मानने से इनकार कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोपाल मंडल ने कहा कि मांझी के बेटा कम उम्र का है, उसमें समझदारी की कमी है, कोई अपना इस्तीफा तब देता है जब वह जानता है कि अब उसका महत्व खत्म हो गया है। जहां तक जीतन राम मांझी की बात है तो उन्हें नेता नीतीश कुमार ने बनाया था। ये है मांझी के लड़का जो है ना कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो देता है
उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन टक गया है। और मांझी का सवाल है, मांझी को नेता कौन बनाया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बनाया, तो मांझी नेता बनने लगे। बने खूब अच्छा बात है, लेकिन रह रह के पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे, विलय करने के लिए सही बात बोला। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर दिल में हो तो मुश्किलें राहें भी आसान नजर आने लगती है। अररिया जिले के रहने वाले रविकांत अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से मीलों की दूरी तय कर रहे हैं। अपनी फटफटिया बुलेट लेकर जब रविकांत सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। जगदीश प्रसाद भगत के द्वितीय पुत्र रविकांत का बचपन से ही राइडिंग करने का सपना रहा है और वह मोटरसाइकिल से ही देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से वह दो पहिया वाहन से राइडिंग कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पहले साइकिलिंग से की थी। रविकांत ने बताया कि वह अपनी बुलेट से एक बार में सर्वाधिक 15,000 किलोमीटर तक का सफर कर चुके हैं। रविकांत की बुलेट जरूरत के अनुसार तमाम उपकरणों से लैस है, साथ ही ऊपर एक छतरी भी लगी हुई है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि दूर दराज सफर करने में तमाम तरह के जरूरत के सामान की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने यह सारी व्यवस्था अपने मोटरसाइकिल में कराई है। अब वह भागलपुर से दक्षिण भारत तक का सफर तय करेंगे। 15,000 की दूरी तय कर चुका हूं और राइडिंग के सबसे पहले मुझे लगा कि दो राइडर आए थे साइकिल से राइडर, मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो उस लेवल पर मैंने उसको एक अपना एम बनाया। अब तक किन किन जगहों पर आप जा चुके हैं? मैंने अब तक 2,00,000 राइड किया हूँ। इधर दार्जिलिंग वगैरह मैं जाता रहता हूँ और इधर पटना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है, बैठ के बैठे बैठे तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन क्या करूँ, एक जोश है, जज्बा है कि नहीं मुझे करना है, कुछ अलग करना है। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में मंगलवार को 5 पंचायतों के उपचुनाव परिणाम की घोषणा होने के 70 दिन बाद आज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा सभी नव निर्वाचित हुए लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया, जो कुमेठा पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया पायल शर्मा और नव निर्वाचित कमरगंज पंचायत के वार्ड 3 के सदस्य पंकज कुमार, कमरगंज वार्ड 10 के वार्ड सदस्य अमृतेश कुमार झा, तिलकपुर वार्ड 4 पंच विजय शाह, कररिया वार्ड 4 निर्विरोध पंच माला कुमारी, कटहरा वार्ड 13 पंच निर्विरोध श्रवण कुमार को शराबबंदी पर शपथ लेते हुए पंचायत में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान दर्जनों समर्थक मौजूद। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करता है कि आसमान किसका है। 27 तारीख को ही ये फैसला हो गया था, ये पंचायत पर पूरा अधिकार पूरा नियंत्रण पायल शर्मा का है और हमारे पंचायत में जिस तरह से नशा पर हर छोटे से लेके बुजुर्ग तक उसके अधीन हो चुके हैं, उसके खात्मा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला काम